नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर मजदूर संगठन, खेत मजदूर और किसान संगठन के लोग मणिपुर में जो 80 दिनों से हिंसा जारी है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मजदूर और किसान संगठन ने आज देश भर में मणिपुर हिंसा को लेकर एक प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसके साथ साथ देश के पार्लियामेंट में भी विपक्षी सांसद बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल है, पिछले दिनों जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा है दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उसके बाद से पूरे देश भर में जनता में आक्रोश है। हमने देखा है किस तरह से महिला संगठन, छात्र संगठन अलग अलग राज्यों में, देश भर में प्रदर्शन करते रहे और इसी कड़ी में आज दिल्ली राजधानी में भी जंतर मंतर प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इनकी एक मांग है, राज्य की सरकार इस हिंसा को रोकने में बिल्कुल तरह विफल है, तो इसको इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और किसी भी शर्त पे वहाँ शांति बहाली की जाए। ये CITU किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, इनकी ओर से पूरे देश में आह्वान किया गया था कि लगभग अभी 83 दिन हो गए मणिपुर के अंदर हिंसा जारी है। वहाँ के आदिवासी, वहाँ के अल्पसंख्यक महिलाएँ सबसे ज़्यादा इस जातीय नस्लीय हिंसा का शिकार बनाए जा रही हैं और केंद्र सरकार को पूरी जानकारी है इन घटनाओं की, मगर उसके बावजूद भी जो रोकथाम और जो कदम केंद्र सरकार को उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। एवरीवेयर ऑपोजिशन पार्टीज एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस कंडक्टिंग द स्ट्रगल कैंपेन अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन मणिपुर इश्यू। द पीपल ऑफ मणिपुर, दे आर क्राइंग फॉर पीस, दे आर क्राइंग फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, they are crying for the right as a citizen. There schools are not working, these religious institutions are closed, the common people are unable to work for daily income. So here the trade unions, agriculture workers, peasants and other democratic forces together conducting a dharna struggle. Inside the parliament, we, all opposition parties, raised the slogan for a statement from the Prime Minister on this Manipur issue. But this government, the Prime Minister of the nation, is not ready to respond on the issue of Manipur. So we together will fight for the right of the citizens in India, for save the Manipur. This is our stand. एक आवाज में हम मांग कर रहे हैं कि इस हिंसा को बंद करना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस हिंसा को बंद करना चाहिए तो ये हिंसा कौन बंद करेगा? ये एक राजनीतिक समस्या बन गई है यहाँ पर, अभी एथनिक समस्या नहीं है, अभी एक राजनीतिक समस्या है और इसका हल भी राजनीतिक होगा। इसका हल तब होगा जब वहाँ पे जो फील्ड CM है उनको रिजाइन किया जाए और जो हमारी भारत की सरकार है वो हस्तक्षेप करे और पुख्ता इंतजाम करे और जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, चाहे मेती है, चाहे नागास हैं, चाहे कुकीज़ हैं, उनको विश्वास में ले, उनसे एक वार्ता करे और सबको बोर्ड पे लाके उनको विश्वास पे लेके इसका हल वहाँ पे किया जाए। उत्तर पूर्व में बेशक हो मणिपुर, मगर हिंदुस्तान का जो मजदूर है, जो श्रमिकगण है, जो किसान है, वो उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दर्द है, उसको भलीभांति समझते हैं। हम जानते हैं कि पहले भी उत्तर पूर्व राज्य जो है अलग अलग नस्लीय हिंसा से घिरे रहे हैं, मगर बड़ी मुश्किल से शांति आई थी। मगर जिस प्रकार की सरकार वहाँ पर अभी है मणिपुर में, उसके चलते और जो हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें जो वन अधिकार है आदिवासियों का, जो हजारों सालों से वहाँ पर रहते आए हैं, उसको छीनने का जो उस हाई कोर्ट के फैसले के द्वारा प्रयास किया गया, उससे जो वहाँ पर वैमनस्यता फैली है, आपस में भाईचारा टूटा है और अफवाहों, झूठी अफवाहें, गलत खबरें फैला करके आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, ईसाइयों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि स्कूल बिल्कुल बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद हैं, तो विकास के जो भी प्रक्रिया है पूरी बंद है। केंद्र सरकार कहती है, अक्सर भाजपा के नेता कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, भाजपा समर्थित वहाँ मणिपुर में भी सरकार है, केंद्र में भी BJP की सरकार है, मगर वो क्या कारण थे कि प्रधानमंत्री देश विदेश का दौरा करने के लिए उनके पास समय है, मगर अपने ही देश का राज्य एक जल रहा है, वहाँ के लोग प्रभावित हैं और उसके ऊपर वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे? देखिए, अगर मैं अपना राय रखूँ इस मुद्दे पे, तो मुझे लगता है कि ये
इस तरीके की जब हिंसा होती है, हिंसा हम मान करके चलते, हमारी कुछ मांगे हैं जिसको पूरा करवाने के लिए हम अलग अलग तरीके को अपनाते हैं, बट जब ये तरीके हमारे इतने ज़्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं जिससे आपका जान माल का खतरा होता है, तो ये कहीं ना कहीं सच में उस जगह, उस समुदाय के रहने वाले समाज पर बहुत असर डालता है। लेकिन उसी के बीच में जब इस तरीके की हिंसा एक पर्टिकुलर जेंडर पर आधारित हो जाती है, जो अभी हमने देखा 4 मई को ये जो घटना हुई है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और हमें बहुत सोचना पड़ेगा हर एक लेवल पे, संगठन के लेवल पे भी और जो हमारा समुदाय समाज है उसके लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी। जो मतलब सरकार का रवैया है उस इस पूरी घटना के प्रति यही दर्शाता है कि उनको मतलब कुछ वर्ग हैं, कुछ हिस्से हैं जिनकी उनको बिल्कुल मतलब चिंता नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं है तो बहुत छोटी बात हो गई कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस वर्ग के साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट वो और बढ़ा रहे हैं, वही परस्यू कर रहे हैं ये वायलेंस, वही उन्हीं के कारण ये वायलेंस आगे इन लोगों पर किया जा रहा है। तो यही मेरे को लगता है कि बॉटम लाइन है कि हमको समझना पड़ेगा कि सरकार जो सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी तरीके की, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार लगातार कर रहा है। केंद्र सरकार जो एकदम मौन धारण करके बैठा है, अमित शाह जाने के उसी दिन से भी वो कोई कम नहीं हुआ है और वो जनता के ऊपर में दंगे खरे जलाए जा रहे हैं। इवन MP MLA मंत्री तक जो है सेफ नहीं है, ये एक जो बड़ी बात आ रहे हैं कि जनता के बीच में, लेकिन वो तो निंदनीय है। और यहाँ पे जो आज का जो कॉल में जो केंद्र सरकार से, और राज्य सरकार तो है ही नहीं, कोई सरकार ही नहीं है, खुद BJP का MP का वीडियो आ रहा है कि वहाँ पे कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, किसके पास जाओ। इसीलिए वो केंद्र सरकार से जो मुख्य जो मांग है कि वहाँ पे नॉर्मलसी लेके आने के लिए, और उसके लिए भी जो भी कदम उठाना चाहिए वो लेके आ जाए। और उसके अंदर में एक जो पॉइंट नोट करना चाहिए कि एक जो ज्वाइंट जो ओल्ड पार्टी डेलीगेशन वहाँ जाने का एक रिक्वेस्ट गया था, जो 10 दिन तक प्रधानमंत्री ने जो लोगों से मिले नहीं है कि ओल्ड पार्टी का जो लीडर्स उधर से जो आए हैं, उसके बाद में भी ओल्ड पार्टी मीटिंग में आया है और वो अमित शाह ने ना कर दिया है और वो ओल्ड पार्टी गया ही नहीं है। तो ये एक जो स्थिति है कि ये बहुत ही जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हम बोल सकते हैं, और ये पूरे देश के अंदर में अलग अलग जगह में उन्होंने जो लोगों को बांट के अपने राजनीति चलाने के लिए जो संघ परिवार के नेतृत्व में BJP ने किया है। प्रधानमंत्री ने लगातार चुप्पी साधी रही, ये उनकी पुरानी आदत है, और बाकी सारे मसलों पर भी चुप्पी साधते हैं, लेकिन जब मणिपुर में आग लगी हुई है, इस तरह की जघन्य घटनाएँ हो रही हैं, उसमें इतना लेट रिस्पॉन्स, और वो भी एक ऐसी बात कहना जो कि कतई सभ्य नहीं है, कभी कतई एक प्राइम मिनिस्टर कहने योग्य नहीं है। हम देख रहे हैं कि जब मणिपुर की बात कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर घटना हुई जहां दो महिलाओं के साथ इस तरह की हिंसा हुई, और भी है, मतलब ये तो हमारे सामने आ गया, सबको पता है कि इसके अलावा जो तमाम जो सिविल सोसाइटी से फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है और जो गई है उनका जो रिपोर्ट है उससे साफ पता चल रहा है कि ये कोई एक घटना नहीं है और ऐसी कई सारी घटनाएँ हुई। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि देश भर में जहाँ भी हो सके वहाँ इसके खिलाफ आवाज़ उठे और इस सरकार को ये संदेश जाए कि ये जो भारत की जनता है ये इस चीज़ को देख रही है। आपके जो तमाम कम्युनल एजेंडे हैं, आपके जो तमाम झूठे वादे हैं, उसके परे जो इस तरह की घटनाएं हैं भारत की जनता देख रही है और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि वहाँ के आदिवासियों का जो वन पे अधिकार है, वन की ज़मीन पे अधिकार है, उसको स्थापित किया जाए, वो किसी भी प्रकार से छीना ना जाए। दूसरी बात, जो भी इस जब से 3 मई से हिंसा हुई है, जो लोग भी पीड़ित हैं उनको पुनर्वास किया जाए, उनको पूरी सहायता की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा खाना हो चाहे घर हो, बच्चों की पढ़ाई स्कूल वगैरह जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और साथ ही हम ये समझते हैं कि जो इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है उसकी पूरा विस्तृत जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जाँच होनी चाहिए। अभी जिस किस्म की सरकार वहाँ बैठी हुई है वो कम से कम वहाँ के प्रदेश की जनता का भरोसा खो बैठी है, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सही जो भी हिंसा हुई है महिलाओं पे, आदिवासियों पे, उसका निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएंगे। तो एक केंद्रीय जांच हो वहाँ पर और जो जान माल की नुकसानी हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, लोगों को बहाल किया जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएँ जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर बहाली हो।
हम नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ रहे, हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेके जिम्मेवारी दी थी कि वो भारत के अंदर कानून और शासन की जो स्थापना है वो करने के अंदर भूमिका निभाएंगे। और ये अब मणिपुर दूर है, ऐसा लगता है कि भारत, अब ये बड़ा अजीब शब्द हम यूज़ करते हैं कि मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। एक तरह हम बोलते हैं पूरा भारत है और फिर बोलते हैं मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। तो एक हमारा प्रदेश, हमारे परिवार का हिस्सा जल रहा है पिछले 70-75 दिन से, और हमारे प्रधानमंत्री यात्राएं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर पार्टी को तोड़ने में लगी है, ये बताती है कि उनकी प्राथमिकता देश के नागरिकों की जिंदगी नहीं है।